आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं और हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SAS सर्वांग समता को समझा, अब हम ASA सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। अब अगर हमें दो कोणों का माप और उनके अंतर्गत भुजा का माप ज्ञात हो तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोण A बराबर 35 डिग्री और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आसानी से अद्वितीय त्रिभुज ABC बना सकते हैं। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे, फिर हम चांदे के उपयोग से कोण A बनाएंगे जिसकी माप 35 डिग्री है, फिर हम चांदे के उपयोग से कोण B बनाएंगे जिसकी माप 75 डिग्री है। इससे हमें बिंदु C प्राप्त होगा और साथ ही साथ त्रिभुज ABC भी प्राप्त होगा। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज ABC बनाएंगे तो हर स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त होंगे। इस समझ के साथ हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के जांच का एक और नियम बना सकते हैं, वह इस प्रकार है। यदि एक सुमेलन में पहले त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को कोण भुजा कोण सर्वांग समता यानी के एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में ASA सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज MNO में कोण O बराबर 130 डिग्री है, कोण N बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा ON बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC के दो कोण कोण B और कोण C और उनकी अंतर्गत भुजा BC दूसरे त्रिभुज MNO के दो संगत कोणों कोण O और कोण N और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम है। यहाँ हम इस प्रकार से सुमेलन दर्शा सकते हैं। B सुमेलन है O से
सी सुमेलन है एन से, ए सुमेलन है एम से। इस तरह से सर्वांग समता का संबंध हम त्रिभुज BCA त्रिभुज ONM से सर्वांग सम है इस प्रकार दर्शा सकते हैं। क्या सर्वांग समता का संबंध सिर्फ इस एक प्रकार से दर्शाया जा सकता है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं, लेकिन यह संबंध दर्शाते समय सुमेलन का ध्यान रखना जरूरी है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 130 डिग्री है, कोण सी बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा बीसी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 135 डिग्री, कोण R बराबर 30 डिग्री है और QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोण C बराबर कोण R है, भुजा BC बराबर भुजा QR भी है, लेकिन कोण B बराबर कोण Q नहीं है। यानी कि यहाँ ASA सर्वांग समता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे तो किसी भी प्रकार से समायोजित करने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम नहीं हैं। अब आपको ASA सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को हल करेंगे।